वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स पार्ट 1। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस टू मेक अवर टास्क इजियर। तो मैनी पर्पस और हमारे टास्क को इजियर बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। तो फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए तो वेल से वाटर को लीप करना है और पंप ऑपरेट करना है, एंड क्या करना है, ग्राउंड लेवल से रूफ टॉप टैंक पे वाटर ले जाना है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। व्हाट आर अदर पर्पस फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी। तो अदर पर्पस क्या है और वो कहाँ उसका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। तो आपके नोटबुक में उनका लिस्ट बनाना है। डज यूर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी में लाइटनिंग का जो यूज होता है तो आपके लिस्ट में वो इंक्लूड है। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम्स। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या पॉसिबल होता है, हमारे घर पर लाइट है तो इलेक्ट्रिसिटी से ही वो पॉसिबल होता है। रोड्स, ऑफिस, मार्केट एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। तो सनसेट के बाद कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमारी लाइट ही होती है। हमारे गांव में, रोड पर, ऑफिस पे, मार्केट में, फैक्ट्रीज में, सब जगह लाइट ही होती है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। तो उनकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से क्या करते हैं, नाइट में भी हम कंटिन्यू वर्किंग कर पाते हैं। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। तो पावर स्टेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। हाउएवर, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। तो कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो होता है वो फेल हो जाता है, तो सम प्लेसेस पे वो अवेलेबल नहीं होता। इन सच सिचुएशन अ टॉर्च इज समटाइम्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। तो इन सच सिचुएशन में क्या होता है, समटाइम्स हम टॉर्च का यूज करके हमको क्या, उससे लाइट प्रोवाइडिंग होता है। अ टॉर्च इज अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच ऑन। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। तो टॉर्च का जो बल्ब है तो उनकी, उनसे क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, लाइट्स अप होता है। तो टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक सेल। तो अब हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा टॉर्च में, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियो, कैमरास एंड मैनी अदर डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रिक सेल का यूज कहाँ कहाँ होता है, अलार्म क्लॉक में, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर रेडियो एंड कैमरास में एंड मैनी अदर डिवाइस में इलेक्ट्रिक सेल का यूज होता है। हैव यू एवर केयरफुली लुक एट एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल को आपको केयरफुली उनको लुक करना है। यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड मेटल डिस ऑन द अदर साइड, फिगर 12.1। तो हम आगे फिगर 12.1 में देखेंगे। तो हमने नोटिस किया होगा कि वन साइड पर क्या होता है, स्मॉल मेटल कैप होता है, अदर साइड पर मेटल डिस्क होता है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 12.1 एंड इलेक्ट्रिक सेल। तो क्या है, ये मेटल कैप है, तो ये क्या है, अदर साइड मेटल डिस है। ओके, डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क ऑन एन इलेक्ट्रिक सेल। तो आपने नोटिस किया होगा कि इलेक्ट्रिक सेल पर पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन का मार्क होता है। तो इधर आप देख सकते हो, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो मेटल कैप जो है वो इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इधर आप इस फिगर में देख सकते हो, ये क्या है, मेटल कैप है, ये क्या है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो आप इस फिगर में उसको इधर देख सकते हो। ओके, द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। मेटल डिस्क जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है,
मैंने बात की वैसे ही इधर मेटल डिश है तो ये नेगेटिव टर्मिनल है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। तो ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स को टू टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड इट। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो उसके अंदर केमिकल स्टोर होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops producing electricity. तो क्या होता है, जो chemicals जो होते हैं वो electric cells में जो chemicals होते हैं उसका use up होता है, यानी वो chemicals जो उसका use up हो जाता है तो क्या होता है, electric cells जो होता है वो electricity producing नहीं करता, वो stop हो जाता है। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग करना वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिक सेल में जो केमिकल होता है उसका पूरा यूज किए खत्म हो जाता है वो केमिकल्स, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग नहीं होती। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस विद अ न्यू वन। तो इलेक्ट्रिक सेल को हम दूसरा न्यू इलेक्ट्रिक सेल में हम रिप्लेस कर सकते हैं। अ टॉर्च बल्ब एज एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटालिक बेस, फिगर 12.2A। तो फिगर 12.2 के ए में हम देखेंगे कि टॉर्च बल्ब जो है उसके मेटालिक बेस पर क्या है, ग्लास केस है, आउटर को फिक्स किया गया है। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। तो बल्ब के ग्लास केस के अंदर क्या है, तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.2A टॉर्च बल्ब। तो आप इसमें हम टॉर्च बल्ब के बारे में हम देखेंगे, तो ए वाली फिगर में हम पहले देखेंगे, तो इधर ए वाली जो फिगर है तो उसमें हम देखेंगे पहले क्या दिया गया है, ये क्या है, ये दोनों क्या है, टर्मिनल्स है। ओके, टर्मिनल्स के बाद ये क्या है, इधर क्या कहते हैं उसको, फिलामेंट कहते हैं। टॉर्च बल्ब का हमने देख लिया। एक्टिविटी वन, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट बल्ब। तो आपको टॉर्च लेना है और बल्ब के अंदर आपको देखना है। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो आपका टीचर की हेल्प से बल्ब को आप टेक आउट कर सकते हो। व्हाट डू यू नोटिस, तो आपने क्या नोटिस किया। डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स इन द मिडल ऑफ द ग्लास ट्यूब, फिगर 12.2B। तो आपने फाइंड किया कि ग्लास ट्यूब के मिडल में क्या है, थिन वायर फिक्स हुआ होता है, तो वो आपने नोटिस किया। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। तो आपको टॉर्च की स्विच ऑन करनी है, ऑब्जर्व करना है कि बल्ब का कौन सा पार्ट ग्लोइंग होता है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.2B इज इनसाइड व्यू। तो उसका इनसाइड व्यू देखते हैं, तो उसकी बी वाली फिगर देखते हैं। तो इधर ये क्या है, बीच में हम देखा है वही, वो क्या है, फिलामेंट है, और उसकी जगह वो क्या है, वो दोनों साइड ये और इसका नीचे वाला क्या कहते हैं, टर्मिनल्स कहते हैं। तो इसका इनसाइड व्यू भी हमने देख लिया। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो लाइट जो गिव अप होता है उसके जो थिन वायर जो होता है उसको क्या कहते हैं, बल्ब का फिलामेंट कहते हैं। तो ये फिलामेंट कहते हैं, ये जो वायर जो है उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट एज शोन इन फिगर 12.2B। तो टू थिकर वायर्स के बीच में वो फिलामेंट फिक्स होता है और उसको क्या, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इधर फिलामेंट फिक्स होता है टू वायर के बीच में, तो फिलामेंट हमने देखा ही है। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब, फिगर 12.2B। तो वन ऑफ द जो थिक वायर जो होता है वो बल्ब के बेस के मेटल केस से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, तो वो भी फिगर नंबर 12.2 में देखेंगे। दोनों वायर है वो
कैसे कनेक्टेड होता है, स्पीकर में देख सकते हो। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। तो अदर थिक वायर जो होता है वो बेस के सेंटर के मेटल टिप से कनेक्टेड होता है, तो अभी मैंने बताया वही। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। तो बल्ब के टू टर्मिनल्स कौन सा है, बल्ब का बेस एंड बेस के मेटल टिप जो है वो बल्ब के टू टर्मिनल्स है। दिस टू टर्मिनल्स आर फिक्स इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। तो ये दोनों जो टर्मिनल है वो उसमें फिक्स होते हैं, तो वो एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिजाइन। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का हम होम पे भी यूज करते हैं, तो उसकी डिजाइन भी कैसी होती है, सिमिलर डिजाइन ऐसे ही होती है। थस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैज टू टर्मिनल्स ईच, व्हाई डू दे हैव दिस टू टर्मिनल्स। तो इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब जो है उन दोनों को क्या होता है, टू टर्मिनल्स ही होते हैं। तो ये टू टर्मिनल्स क्यों होते हैं, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।